नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि कोरोना के वजह से या चाहे जो भी कारण रहा हो, जो लगातार मौत का सिलसिला है वो बढ़ते जा रहा है और इसको लेकर के जो पटना में श्मशानों की हालात है वो भी बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से श्मशान में लगातार शव पहुँच रही है, लोगों की मृत्यु की खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से श्मशान की हाल भी बहुत ही बुरी हो गई है। श्मशान घाट में 24 घंटे की वेटिंग और 21 दिन में 900 से अधिक शवों का दाह संस्कार किया गया। बिहार में कोरोना इस कदर कहर बरपा रहा है कि मोक्ष धाम पर भी वेटिंग चल रही है। हाल ही में 20 से 24 घंटे तक दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में परिजनों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अस्पताल में बेड के लिए इंतजार करने के बाद उन्हें श्मशान घाट पर भी भूखे प्यासे इंतजार करना पड़ रहा है और ये जो हाल है वो बिहार के तमाम श्मशानों की है। लगातार श्मशान में भीड़ बढ़ते जा रहे हैं और लाशों को जलाने के लिए सुविधा नहीं मिल पा रही है। शव की संख्या बढ़ने से श्मशान घाटों की व्यवस्था चरमरा गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार कोरोना से मरने वालों की संख्या दुगुनी हो गई है। बांस घाट पर हर रोज 65 से 70 शव आ रहे हैं। वहीं पिछले वर्ष जब कोरोना संक्रमण अपने चरम पर था तब औसतन 20 से 25 शव जलाए जाते थे। इस बार यह आंकड़ा अभी 2.5 से 3 गुना है अधिक हो गया है। पिछले 3 सप्ताह में बांस घाट पर कोविड के करीब 900 से अधिक संक्रमित शव को जलाया जा चुका है। यहाँ जलने वाले शव पटना जिला समेत दूसरे जिलों के भी हैं जिनकी मौत पटना के अस्पतालों में हुई है। बांस घाट पर सबसे अधिक कोविड शवों को जलाया जा रहा है। 24 घंटे यहाँ संक्रमित शव पहुँच रहे हैं। एक कतार में 19 से 20 संक्रमित शव रखे गए हैं। अभी पुराने ही कतार ख़त्म नहीं होती है कि नई कतार लगनी शुरू हो जा रही है। पिछले 5 दिनों से यहाँ 65 से 70 शव पहुँच रहे हैं जिसके कारण संक्रमित शव को जलाने में किसी को 17 घंटा तो किसी को 20 घंटे से अधिक इंतजार करना पड़ रहा है। दाह संस्कार के लिए इतना लंबा इंतजार करना ये अपने आप में भी एक दुखद समाचार है, क्योंकि जिस स्तर से लोग मर रहे हैं श्मशान की भी हालत चरमरा गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मरने वालों का दाह संस्कार करने के लिए भी परिजनों को इंतजार करना पड़ रहा है। श्मशान घाट पर परिजन शव को कतार में रखकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पटना नगर निगम के सिटी व अजीमाबाद अंचल के खाजे कला घाट पर विद्युत शवदाह गृह चालू होने से लोगों को राहत मिली है। फिलहाल यहां शव के अंतिम संस्कार के लिए सबसे ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना पड़ रहा है। मुख्य सफाई निरीक्षक ने बताया कि दोपहर 3 बजे तक 800 जलाए जा चुके हैं, 500 अभी और जलाना है। वहीं ईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शव जलाने को लेकर परिजनों के बीच आगे पीछे का मामला न हो, इसे लेकर विद्युत शवदाह गृह परिसर में निगम की ओर से 8 चौकी भी कराया गया है जिस पर शव नंबर से रखा गया है और शनिवार को संख्या अधिक होने से देर रात 3 बजे तक शव का अंतिम दाह संस्कार किया गया था। तो ये जो हाल है ये पटना का हाल है कि अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं, ऑक्सीजन के लिए तो मारामारी लगातार चल ही रही है। इस बीच अब ये शवों को जलाने की भी संकट बिहार में उत्पन्न होने लगी है। और आपको एक और मुख्य खबर हम बता देते हैं कि पटना में अब कहीं भी आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है। एक लैब वाले से बात करने पर यह पता चला कि पटना के किसी भी जगह पर अब आरटीपीसीआर की सुविधा नहीं दी जा रही है, चूँकि पहले से इतने केस आ चुके हैं उनकी रिपोर्ट नहीं बनी है और नए केसों की जो संख्या आ रही है उसके लिए प्राइवेट जितने भी पैथलैब हैं, अपोलो हो, पैथकाइंड हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब है, इन तमाम लैबों की हालत ऐसी हो चुकी है कि पटना में आरटीपीसीआर कराना मुश्किल हो गया है। तो अगर आप पॉजिटिव भी हो जाते हैं कोविड से तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप पॉजिटिव हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है। तो चूंकि शव को जलाने की हम बात कर रहे थे और अब शव जलाने का जो दौर है उसके लिए भी कहीं ना कहीं मारामारी करनी पड़ रही है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ।